हम सब जानते हैं कि दवाई मेडिसिन एक हीलिंग विज्ञान है, एक प्रकार का उपचार जो कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। कोई भी बीमार होना पसंद नहीं करता है। जब हमें गले में खराश, सर में दर्द और फिर बदन दर्द जैसी बीमारियों का आम जीवन में सामना करना पड़ता है तो हम डॉक्टर के पास या फिर अपने किसी पास के मेडिकल स्टोर से दवाई ले आते हैं ताकि जल्द आराम आ जाए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम एंटीबायोटिक लेने जाते हैं जिसके सेवन से जल्दी आराम तो आता है परंतु ये नुकसान भी देता है। इन दवाइयों को जीवाणु संक्रमण से लड़ने के लिए बनाया जाता है और इसकी मदद से कई बीमारियों का इलाज भी होता है। एंटीबायोटिक्स ने लाखों लोगों के जीवन को बचाया है परंतु अब इसका उपयोग अधिक होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप अब कई एंटीबायोटिक दवाई जीवाणुओं के खिलाफ प्रभावी नहीं रही है। क्या आपने कभी दवाई खरीदते वक्त ध्यान दिया है कि इन दवाइयों के पत्ते पर लाल रंग की धारी होती है? आखिर इस धारी के होने का क्या मतलब है? इन पर RX, NRX और XRX क्यों लिखा जाता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दवा के स्ट्रिप पर लाल रंग की धारी का मतलब यह है कि डॉक्टर के पर्चे के बिना इस दवा को न तो बेचा जा सकता है और न ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग की जांच करने के लिए दवाइयों के पैक में लाल धारी दी जाती है और उसे अन्य दवाओं से अलग करती है। स्ट्रिप पर लाल धारी देने का उद्देश्य टीबी, मलेरिया, पेशाब से संबंधित संक्रमण और यहाँ तक कि HIV सहित कई गंभीर बीमारियों के लिए बिना डॉक्टरी परामर्श के या सीधे दवा की दुकान से एंटीबायोटिक दवाओं की खरीद बिक्री पर रोक लगाना है। अब बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स दवा की स्ट्रिप पर RX, NRX और XRX क्यों लिखा होता है। RX का अर्थ है कि यह डॉक्टर द्वारा दी गई दवा है और सिर्फ उसी मरीज को दी जा सकती है जिसे डॉक्टर ने अपने पर्चे पर लिख कर दी हो। NRX का अर्थ है कि यह एक ऐसी दवा है जिसे आप तभी ही बेच सकते हैं जब इसे किसी ऐसे डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिख कर दिया गया हो जिसके पास नशीली दवाओं से संबंधित लाइसेंस है जैसे कि मनोचिकित्सक। XRX का अर्थ है कि यह एक ऐसी दवा है जिसे आप एक ऐसे डॉक्टर को बेच सकते हैं जिसके पास लाइसेंस हो और इसे डॉक्टर सीधे मरीज को दे सकता है। मरीज इसको किसी मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकता है भले ही उसके पास डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची ही क्यों ना हो। इस वीडियो के माध्यम से ज्ञात होता है कि दवाओं पर लाल रंग की धारी होना क्यों अनिवार्य है, इसके होने का क्या अर्थ है और RX, NRX और XRX दवाओं के पीछे क्यों लिखा होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।